दोस्तों एक तरफ तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए तैयारी में जुटी हुई थी, मगर दोस्तों दूसरी तरफ पूरे क्रिकेट जगत पर टूटा दुखों का पहाड़। जैसे इस खिलाड़ी का हार्ट अटैक से निधन हुआ, उसके बाद दोस्तों सभी क्रिकेटरों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताए, इस समय वर्ल्ड कप 2023 के लीग मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने 8 मैचों में से 8 मैच जीतकर इतिहास बना रखा है। मगर दोस्तों अब ये 9वें मुकाबले की, जो कि नीदरलैंड के खिलाफ 12 नवंबर वाले दिन खेला जाएगा। मगर दोस्तों आपको बता दें, इस मुकाबले को स्टार्ट होने से पहले भारतीय टीम पर दुखों का पार टूट चुका है। दरअसल दोस्तों बात यह है, भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज यानी मोहम्मद सिराज की माता को बीते कल हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद दोस्तों उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर दोस्तों उनको बचाने में डॉक्टर्स ने भी अपनी जी और जान एक कर दी और उनकी माता को बचा लिया, और इस तरीके से उनकी माता आज मरते मरते बच गई। वो तो दोस्तों बाद में पता चला था मोहम्मद सिराज को, जब उनकी माता एकदम सही हो गई थी। अगर मोहम्मद सिराज को पहले पता चल जाता तो मोहम्मद सिराज जरूर अपनी माता को देखने के लिए यानी अपने गांव जाते। वैसे गाइस अपनी कॉल उसमें बताना, क्या मोहम्मद सिराज अब की बार वर्ल्ड कप का खिताब भारतीय टीम के लिए जिता पाएंगे या फिर नहीं।